ओ भाई एक सांस में खींच के। यू क्या कर लग रहे हो? मैं तो कहूँ थे चलना है। चल अभी चल रहे हैं। मैं नहीं जा रही फिर। चल रहे अभी। ये तरीका है राहुल, तू भी नहीं कुछ कह सकता था पापा जी को। चल रहे अभी, चल रहे हैं। मैं नहीं चलना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी की। आशा करता हूँ आप सभी अपनी जगह पे खुश होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, जैसे मैं हूँ। आपने पिछली वाला प्रैंक देखा होगा, आपकी आंटी ने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया था। ये धराएं काट रही हो ओम को भाई, सब दो ले भैया ओम को। किसिंग प्रैंक किया था मेरे ऊपर, बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गया था, मैं इरिटेट हो गया था बहुत ज्यादा। अब मैंने भी सोचा खतरनाक आइडिया, मैं भी उस पर प्रैंक करूंगा। मैंने साथ में अपने राहुल को ले लिया। जी अपने राहुल, क्या हाल है सुना दो। तो भाई पापा जी भी करने वाले कुछ खतरनाक सा सिस्टम, और मेरे को भी नहीं पता है। ज्यादातर पापा जी ने कहा बस तू मेरी बढ़ोतर रही हो छुप छुप के, और बाकी सिस्टम मैं अपने आप हैंग कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं अपने आप संभालूंगा, तू छुप छुप के बढ़ोतर रही, किसी को पता लगना चाहिए ना ही नोनी को ना ही तेरी मम्मी। डन है जी, डन है। तो बच्चों चलो आपको एक चीज दिखाता हूँ। क्या दिखाओगे? क्या ये बोतल है भाई बियर की? फिर क्या इससे क्या है? यही तो टेस्ट है। सही पता है, पता है क्या? ये देखो, ये है खाली बोतल। अच्छा निकल गई थोड़ी सी। अब आओ मैं क्या करता हूँ इसके साथ। ओ चलो भाई चलो, आराम से जाओ ना, कभी मम्मी और देख के हैं एक बार देख लो आप है तो नहीं पहले इस रूम में। चलो 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 किचन में देख लो, किचन में कोई नहीं है। क्या करोगे इसमें? भर दो पानी, खिंडा लो, थोड़ी बियर चिपकी होगी ना इसमें। लो भाई पापा जी ने बोतल भर दी है बियर की दोबारा। सो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि बियर कौन कौन पीता है। भाई नहीं पीनी चाहिए, भाई नहीं पीनी चाहिए। मैं भी देखो खाली बोतल संभाल ली, बोतल पर संभाल यूज करूंगा, जब भी पीना होगा तो पानी भर के पी लूंगा इसका, ताकि तो दिल को तसल्ली हो सके बियर पी रखी है। तो भाई जो वीडियो डाली तूने उसमें तो तू दूसरे लेके आया था ना, कौन से लेके आया था? वो तो किंग फिशर थी। किंग फिशर, हाँ। तो उस पे ना मैसेज आए हुए थे कहीं के अंकल जी ये नकली है, किंग फिशर अच्छी बियर नहीं है, तो आप ये कौन सी बकार्डी कौन सी है? ये तो बडवाइजर है। बडवाइजर, हाँ भाई, ये मैसेज आया हुआ था बडवाइजर। तो मैंने राहुल को ये बोला था भाई अब की बार बडवाइजर लेके आई मेरे लिए, तो ये मेरे लिए लिया था, मैंने पी ली थी एक बोतल। मैंने इसको संभाल के रख लिया था कि भाई इसको फेंकना नहीं अभी, ठीक है। मैंने उसी टाइम सोच लिया था कभी ना कभी इसके साथ, इस बोतल के साथ मैं प्रैंक बनाऊंगा, किसी के साथ भी करना चाहिए। तो अब इसको ना छुपा के थोड़ा यहीं पे रख देता हूँ ताकि आपकी आंटी को पता ना चले। भाई जो पापा पूरे तेज हो रहे हैं। अब मैं ना बुला रहा हूँ तेरी मम्मी को। मैं, तू ध्यान से यहाँ बैठ जा, इस साइड आ। मैं यहीं पे रहूं, मतलब इस रूम में रहूं? तो देख ले बाहर से बना सकता हूं तो, या पता नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। मैं चलो मैं यहीं पे बैठा हूं, अगर मेरे को लगेगा बाहर जाऊंगा तो मैं कैमरा फिट करके बाहर भाग जाऊंगा, ठीक है? चलो देख ले जैसे भी है। भाई मेरे को नहीं पता करके करने के वाले है यार। हाँ भाई सुने क्या? क्या एक मिनट आना। इधर आओ, बोलो। खाना खा लिया? क्या हो रहा है आपके? खाना खा लिया आपने? ऐसे क्यों देख रहे हो, पागल हो क्या आप? थोड़ा सा अपना हुलियों को सुधार ले करो आप। हुलियों क्या है बेटा, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अरे क्या हो गया, क्या हो गया? डिस्टर्ब कौन कर रहा है, वो हंस रहा है, आप बात ही ऐसी कर रहे हो, हंसी आ ही रही है हमें। पता है क्या, थोड़ा सा अपनी टम्मी देखना। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, अब सर्दी में गेन कर। कल से ना आप दोनों जिम चले जाएंगे, ठीक है? दो तीन घंटे वहां पे पूरी एक्सरसाइज करके आए जाएंगे, तेरे को पूरी अच्छे से करवा के ले जाएंगे वो एक्सरसाइज, ठीक है साहब जी? और देखियो क्या हाल बना रखे अपने हाथों का, कितने काले, कुछ ये किस लिए ले रखी है? कान का मैल साफ कर रही थी, क्या हो गया आपके? तो कोई केयर टेकर रखवा लो ना। केयर टेकर वगैरह का मेरे को नहीं काम पसंद आता। अच्छे करती है, सब क्या लगी हुई है सोसाइटी में, किसके लगी हुई नहीं होता, वो फ्री रहती है, फिर लेडीज अच्छे से बन सवर के रहती है घर पे। तो मेरे में क्या कमी है, मेरे को सिंपल सिटी पसंद है, तो मैं ऐसे रहती हूँ, आज की रहती हूँ मैं, तो शुरू दिन से ही रहती हूँ। ऐसे ऐसे अच्छे लगते हैं आप क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया आपके? तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखे करो।
अब हम केयर करें तो तू केयर भी नहीं करने देते आप। ठंड लग रही है? नहीं सही है। राहुल छोड़ एक बार, छोड़ एक बार राहुल। पागल हो गया? ठंड लग रही है आपको? फिर कंबल ओढ़ के बैठूंगी, पागल हो गए। मैंने सोचा आपने स्टोर भी दे रखी है, जैकेट भी पहन रखी है और फिर भी ठंड लग रही है। तो ठंड तो है ही। तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े लेके आए हो आप, वो क्यों डालते करते? तो कहीं जाऊंगी तो जब भी पहनूंगी, घर में बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के बैठ जाऊंगी। आप ना कोई भी घर पे काम नहीं करोगे? क्यों? मैं काम वाली को बोल दूंगा कल से वो सुबह काम पे आ जाए करेगी। और मैं क्या करूंगी फिर सारा दिन? आप रेस्ट करोगे सारा दिन? ना मैं नहीं करती रेस्ट पोस्ट। कुछ मियां बीबी के अंदर कुछ इतने साल हो गए, सारे दिन काम काम, बस एक ही वो रहते हैं बस, और कोई नहीं है मियां बीबी के बीच में कुछ भी होता? कुछ तो रोमांटिक पल होते हैं, यादगार जो पल यादगार ही है सारे मेरे। क्यों तू खड़ा और बाहर चल। क्या हो गया? ना उधर चल अपने कमरे में। इसको क्यों डांट मार रहे हो? तो क्या हो, क्या गया? हमारे कमरे में तू क्यों बैठते हो भाई? हमारी भी कोई लाइफ है नहीं है? कोई प्राइवेसी नाम की चीज हो? क्यों भाई, आपको क्या दिक्कत है? बच्चे बड़े हो रहे हैं साहब जी, की प्राइवेसी। तो मैं यही कह रहा हूँ, बड़े हो रहे हैं तो आप अपने रूम में जाओ, यहाँ भी क्या कर रहे हो आप? ठीक है चला जाता हूँ। शोभा दे रही बातें करते हो बच्चों के सामने, पागल। एक तो ऐसा करो ठीक है, अच्छे से तैयार हो, फिर अपना डिनर करने चलेंगे। क्या क्या ड्रेस डालोगे आप बताओ? क्या पहनूं? वही जो मैं लेके आया था ना, ग्रीन वाली, जो मेरे को अच्छी लगती है वो वाली डालियो बस। तो बच्चों तुम्हारी आंटी और अभी तैयार, और यहां बैठ के यार आके यार। ओ क्या है, क्या बीयर ही है ये कर रहे हैं? क्या यार भाई, भाई सुन, इधर आ जा, गेट बंद कर, गेट बंद कर मोटे। अरे तो बंद कर जल्दी। तो भाई इस बताना पड़ेगा उसे, मम्मा के ऊपर प्रैंक चल रहा है। प्रैंक? हाँ मम्मा के ऊपर। क्या? बस कुछ नहीं, तेरे को मेरे को भी नहीं पता भाई, पापा जी को नहीं पता है, प्रैंक चल रहा है अपने आप। ठीक है बस, ओके आराम से रहे ठीक है। थोड़ा सा ये क्या पहन रखा है? अरे शादी में तो ये छुट्टी होगी तो घर ही पहन लेता हूँ। What? तो इसके नीचे से भी कुछ डाल लेता। बस हो जाके ना कुछ खाने वास्ते लेगा। जाओ जाओ, हाँ कुछ लेके आओ पापा जी के लिए, चकना लेके आओ जल्दी, दौड़ जा। चेयर्स बच्चों। पापा जी ने कुछ लिया भाई, कुछ दे दे भाई जल्दी, मूंगफली लेके आया, चने ले आया। एक तो बेटा एक बात मेरी ध्यान से सुन लियो दोनों जने, सवेरे एक तो जल्दी उठे करो बेटा, मेरे का नहीं देखो, दो बजे उठ के ना आया हूं मैं, दो बजे। फिर सोते कब थे? रात सारी सोन वास्ते हुए, दो बजे उठ जाते थे, एक बजे अगला दिन स्टार्ट हो जाए। अच्छा ये कोई तुम्हारे ढंग नहीं है, सारा सारा दिन बिस्तर में पड़े रहोगे। तब सुने नाम अंबानी का, सबसे अमीर वर्ल्ड में चौथे पांचवे नंबर पे है शायद, वो सिर्फ 2 घंटे की नींद लेते हो। मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है अपने, 4 घंटे सोते हैं, सिर्फ 4 घंटे काम करते, दिन रात तक ये रहते हैं तभी देश तरक्की करता है। और तेरा है देखियो ये पेट तरक्की करने लग रहा है तेरा पेट। कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और पप्पा जी भाई वैसे एक बियर में कुछ नहीं होता, लेकिन भाई पप्पा जी भाई तेज एक सांस में पी रहे, रोक भाई, पप्पा जी रोक। ओ भाई एक सांस में खींच के यूं क्या कर लग रहे हो? मैं तो बहुत चलना है, चल अभी चल रहे हैं, मैं नहीं जा रही फिर। चल रहे हैं अभी, ये तरीका है राहुल, तू भी नहीं कुछ कह सकता था पापा जी को। चल रहे हैं अभी, चल रहे हैं, मैं नहीं चलना इस हालत में, जाओगे पापा जी? पता है क्या है, जे वहां पे पथरी का दर्द उठ जाता है फिर मैं क्या करूंगा भाई? तो दवाई भी तो होगी, तो दवाई तभी तो ली है, फिर मैं नहीं जाती आपके साथ इस हालत में। ऐसा कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, ये खा लेता हूं मैं एक मिनट। जाओ ना, दिमाग खराब कर दिया,
पहले तैयार हो और फिर चलो ना, मेरे बस की नहीं, मैं नहीं जा रही। तो ये राहुल हम जा रहे हैं भाई, देखिए हालत तो कैसी हो रही है, गाड़ी की चाबी कहां पे है ना, मैं नहीं जाती ऐसे, सारे यूं सोचेंगे देखिए इसके आदमी ने दारू पी रखी है, दे बता दी मेरे बस पूरी नहीं पी रहा, सारे तो पी गए ना, मेरे बस की नहीं है, ये रही पूरी नहीं पी रखी, ना ना मैं नहीं जा रही, आपका तो चस्का ही पड़ गया, आपने तो एक दो बार क्या पिया, आपके तो वही हो गया ना, मैं नहीं जा रही, इतनी सी बात पे नाराज नहीं होएगा ना साहब जी, चल रे अब ना, दिमाग खराब कर दिया भाई आपने, मैं नहीं जा रही, इतना तो मूड बना के यार तैयार हुई थी मैं इस चीज के लिए, तो इसमें अगर पथरी का दर्द बाई चांस हो जाता है वहां पे, फिर मैं क्या करूंगा, कैसे संभालोगे आप, आज ये गोली खा लूं, दिमाग खराब कर दिया साहब जी, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी की चाबी दी बेटा, कोई नहीं ये पहले ना, मैं नहीं पहनना, छोड़ो पहन लो आप, ये पहन लो, नहीं मैंने नहीं पहनना, जाओ ना आप, दिमाग, अरे कोई बात नहीं, क्या दिक्कत होगी, समझा दे भाई, समझा दो बेटा, ये तरीका है फिर सेंटी, इस तरह जाऊंगे पापा जी, कहां जाना था, वादे कर रखे थे बहुत बड़े बड़े, तेरी मम्मी को डिनर पे लेके जा रहा हूँ, किस तरह तो चल लग रहे ना, मेरे बस की नहीं है, वैसे तो मैं कहीं जाती जाके खुश नहीं होती, तैयार करो तो फिर सिस्टम, मैं नहीं जाती और बेइज्जती और करवाओगे मेरी तो आप, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, बेच दे चाहे ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, तू पागल है, सिखाओगे पागल हो रहे हो आप भी, सारी भी पीली थोड़ी सी बच रही है, दिखाई पागल हो रहे हो ना, किसी ने नहीं पीनी सेंटी, तू तो मूर्ख बना देगा पापा जी को भी, इसमें पानी डाल के हमने सच में पी भी गए, पानी डाल लो, मैं क्या रुक पीती हूँ, स्मेल कर लो फिर भी पता लग जाता है, पानी की स्मेल तो पता होगी, देखो पानी की तो कोई स्मेल नहीं होती, इसमें ना मैंने पानी की स्मेल तो पता होगी, अच्छा तो हम चलते हैं ओके जी, बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जा कर रहे हो, हम डिनर पे भाई, क्या हो रहा हूँ होटल में भाई, तुम घर खाओ, नोनी को तो ले चलो साहब जी, भाई घर खा लो, राहुल भी तो घर पे ही खाएगा, तो मैंने शादी की ड्रेस डाल ली यार तो हम शादी में नहीं जा रहे भाई, जाओ जाओ आप लोग जाओ, मतलब कभी 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 ना अकेले मियां बीबी को भी जाना चाहिए, ठीक है, सेट तो नहीं हो ना आप, तो मैं भी सेट तो नहीं हो आप, ठीक है, मरवा कान पे बकवास करना, सेट तो नहीं हो, क्यों पानी भी पानी डाल के उसके अंदर इसके सामने डाला है भाई, ये तो ना तुमने मेरे को उस टाइम बता दिया, वरना मैं आपकी साइड नहीं लेता, और मैं चुपके से मुंह बेटा उसके अंदर ना पानी भरा था मैंने, अरे आ जा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ कभी जाती नहीं, अगर ऐसे मैं तो नहीं भी ना, मैं कोई बता यार मम्मी, मैं खुद ही नहीं जाने देता, मैं तो खुद भी मंगवाऊं नहीं था, मैं तो उस खारा पीने लग रहा था, तुम नहीं लेके आए हो, तुम नई जी बियर पीने जरूरी, और पापा जी नहीं मुंह लगाते इन चीजों को, कैसे जा रहे आप, अरे जाओ, देखो बच्चों हर किसी को मियां बीबी को टाइम अपना स्पेंड करना चाहिए, मियां बीबी कपल को अपना टाइम खुद स्पेल करना चाहिए, ये दिन बार बार नहीं आते, बिल्कुल गलत बोल दिया, अरे पापा जी कोई दिक्कत नहीं है, पापा जी हमारे स्पेंड लवी, मेरे चढ़ नहीं रही फीलिंग, तो समझो फीलिंग समझा करो आप, नहीं है अच्छे से स्पेंड करना चाहिए टाइम कपल को, अपने मियां बीबी को पूरा टाइम देना चाहिए, अपना घूमने जाना चाहिए, रेस्टोरेंट में खिलाना चाहिए, परचेजिंग करवानी चाहिए, मियां बीबी आपस में खुश रहने चाहिए, और अपने बच्चों का भी ध्यान देना चाहिए, कि जिसको मदद की जरूरत है उसकी मदद भी करनी चाहिए, और अपने बच्चों की गर्लफ्रेंड भी बनवानी चाहिए, इसको अच्छे तो इसको बनवाओ तेरी गर्लफ्रेंड टपोरी, तो ये देखो क्या मार रहे आते मेरे, ये तो क्या भाई गाड़ी की चाबी कहां पे, एक थप्पड़ में कहां गया भाई, तो मेरे पेट दिखा रहे क्या, ओके जी आराम से जाना, सी यू बाय, और चला तो लोगे ना गाड़ी, चले तो जाओगे ना पक्का, कभी गुम हो जाओ दोनों,
ठीक है जी, ओके जी बाय। लो गाइस मम्मी पापा गए और भाई मौज ले रहे हैं अपनी जिंदगी की, आप भी मौज लो। वीडियो में लाइक शेयर कमेंट, टेक केयर, बाय गाइस, लव यू, बाय।